बिहार के स्कूलों में लागू होगी केजरीवाल मॉडल, नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की घोषणा, शिक्षक नियोजन के साथ ही नियमित क्लास पर फोकस। मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल है? मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन जाए, अगर शायद शिक्षा हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे। बिहार के सरकारी स्कूलों में दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू होगा और इसमें सभी शिक्षकों को सहयोग करना होगा ताकि शिक्षा का बेहतर माहौल बनाया जा सके। ये घोषणा आज नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कही है। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम एक महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो, ऐसा रोना नहीं। 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया, हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, प्राइवेट परीक्षाएँ लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे, तो स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और सामान्य लोगों में क्या फर्क है। शिक्षा विभाग का पदभार लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कि बिहार ज्ञान की धरती और लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए यहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार सार्थक कदम उठाने जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्था में वहां के सीएम केजरीवाल ने काफी सुधार किए हैं, वे लोग भी दिल्ली मॉडल का अध्ययन करके यहां लागू करने की कोशिश करेंगे। इसमें सभी शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा, नियमित क्लास के साथ ही प्रायोगिक क्लास के संचालन पर भी जोर दिया जाएगा और इस कार्य में जो शिक्षक और सकारात्मक भूमिका निभाएंगे सरकार भी उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है, 3 साल का भी है, बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जैसे बात कीजिएगा? हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं, अभी बोल लूँगा छुमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा नीतीश और तेजस्वी ने एक शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनाया है, इसलिए उनकी कोशिश है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। उन्होंने अधिकारियों, शिक्षक और छात्र संघों से अपील की है कि नियमित वर्ग का संचालन हर हाल में हो और इसके मॉनिटरिंग का इंतजाम किया जाए, नियमित वर्ग संचालन के लिए जागरूकता भी चलाई जाएगी ताकि छात्र और उनके परिजन शिक्षकों पर क्लास लेने के लिए दबाव बना सकें। मंत्री ने कहा कि 50,000 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग का है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। विरोधियों द्वारा नीतीश तेजस्वी पर निशाना साधे जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनको नफरत फैलाना है वे फैलावें, पर हम सब प्यार बढ़ाएंगे और प्यार से ही माहौल को बेहतर बनाएंगे। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जल्द ही इस पर काम शुरू किया जा रहा है। STT और TET अभ्यर्थियों के धरना देने के सवाल पर कहा कि इन लोगों की जल्द बहाली की जाएगी, सरकार को मोहलत दिया जाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूँ, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से कि आप वर्ग संचालित करें, इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है, सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन जाता है, अगर शायद शिक्षा
हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे होते। वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों, नए और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत। हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने टेंथ में भी एलेवेंथ में भी ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पेंट भर रहा है, हाफ हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पेंट वाले हम लोग शिक्षा को जरा कमज़ोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा, हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है, इतना इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए यह बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतल्ला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल है? केजरीवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ, देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़े पढ़ावे, हमको अंबेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर मेरी बात सुनिए, हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम एक महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो। ऐसा रोना नहीं, 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़ना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? एक आदमी बोलो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहाँ से मॉडल लाना पड़े। सर, सेशन रेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का भी है, बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम
विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है, ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना सर, सीटेट बीटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर आपके पास? अभी भी स्ट्राइक पे हैं लोग सर, बोला गया जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे, समय तो लग सकता है ना। अब जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आपका आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन गया है, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूंगा। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाए? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं, अभी बोल लूँगा छुमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ शिक्षा विभाग काम कर रही है, जो एस टी ई टी वाले की भी नौकरी दी जाएगी तो समय दीजिए ना, थोड़ा देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सर, सीटेट और बीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों की को नौकरियाँ दी जाएगी। एक प्रस्ताव था सर, शिक्षकों की भी बहाली नहीं हुई है बहुत वर्षों से। किनका? 8 साल हो गए जो लाइब्रेरियन होते हैं, वो उनकी भी बहाली जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी? मेरा सवाल अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे। एक सवाल है, ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था, बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग हैं या नोट कर लीजिएगा। लाइब्रेरियन वाले शिक्षक हैं सर, ये लगातार है, क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं और अभी भी शिक्षा के प्रति आपका जुड़े है, तो कई जगह से फोन भी आ रहा है, लगातार ये आंदोलन चल रहा था कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है नियोजित शिक्षकों को, ये सवाल आ चुका है, अभी आ चुका है, आप देखे होंगे। एक साथी ने इधर से सवाल किया अभी, तो उसका जवाब तो मैं दे दिया हूँ, पुनः क्यों पूछते? एक सवाल यह है कि पिछले दिनों राजभवन पर जो है वो 3 रुपए की कॉपी 12 रुपए खरीदने का आरोप लगा था, गवर्नर पर भी आरोप लगाए गए थे, क्या उस मामले का जांच होगा? उसमें कई कुलपति के नाम भी आए थे। 3 रुपए की कॉपी? हाँ, कॉपी जो है मूल्य से अधिक में खरीदा जा रहा था, नीतीश कुमार जी ने भी संज्ञान लिया था इस मामले को, तो जांच करेगी विभाग, जांच करेगी। नोट कर लीजिए जरा, क्या क्या है नोट कर लीजिए। सर, एक सवाल, ये सर नियोजित शिक्षकों के महिलाओं और विकलांगों के स्थानांतरण के लिए सरकार 7 साल से मॉडल तैयार कर रही है, आपको पता चला कि शायद तैयार भी है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि कोई महिला अगर शादी हो गई वो अपने गाँव में ही पड़ी हुई, अभी तक शादी होकर अपने मतलब ससुराल नहीं। नहीं, ये सरकार का बयान भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था,
तो इसकी समीक्षा करेंगे। आप सब सवाल सही कर रहे हैं, इसको भी नोट कर लिया जाए। मैं तोहफा लेना चाहता हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्लास लगवा दीजिए आपके। फिर पुनः कहता हूं इन्हीं चीज़ों को, मैंने तमाम तमाम शिक्षा संगठन के लोगों से, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, कुलपतियों से, शिक्षकों से, प्राचार्य प्रधानाचार्यों से, आपके माध्यम से अपील किया है कि शिक्षा ही हमें विश्वगुरु बना सकती है। और बिहार एक दर्शन का काम किया है, दुनिया वाले इसको जानते हैं, इसलिए बिहार को वो गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सभी मिलजुल के काम करें। फिर आप वहीं आ गए, फिर आप वहीं आ गए, मैं छात्र संगठन का जवाब दे चुका हूँ। 2008 से शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, क्या इस पर कार्रवाई होगी? एसबी सिन्हा कमीशन में, वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला जाने, सुप्रीम कोर्ट से मामला डिसाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल और है सर, लगातार जो है स्टंट लगा रहे हैं तो अब कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो उसका अध्ययन करेंगे। हमको तो नहीं पता, आप बता रहे हैं, ध्यान रहे, आप साथी बता रहे हैं, हमारे विभाग के लोग, फिर नोट कर लिया जाए, फिर उनका जब इन्फॉर्मेशन। अब एक का जवाब देने दो यार, एक का जवाब। विश्वविद्यालय पटना जैसे मानित विश्वविद्यालय में कोई समस्या, कुलपति कार्यालय को लोग घेर रहे हैं, स्टूडेंट घेर रहे हैं, लगातार गिर रहा। अगर ऐसा है, चूँकि मैं स्वयं अवेयर नहीं हूँ इन तीन चीज़ों से क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे विभाग के लोग दीपक बाबू जी इसको नोटिस में ले रहे हैं, और इस पर उसके जांच कराएंगे, और जो समस्या वाजिब होगा उसका हल होगा।